छोटी सरदारनी में सरदारनी छोटी है, परम भी छोटा है, लेकिन इनकी जो मुसीबतें हैं ना वो बिल्कुल छोटी नहीं है। लगता है अब ड्रीम गर्ल को ही कुछ करना पड़ेगा ताकि इनके जीवन में सब सपने की तरह ऑल इज वेल हो जाए। महल पर बरसा सासू माँ का गुस्सा। बीमार परम के लिए महल ने घर से सारा नॉनवेज बाहर फेंक दिया और इस बात पर सासू माँ पम्मी जी को गुस्सा आ गया। ओए महल, क्या भाई, दिमाग खराब तो नहीं हो गया ना तेरा? पागल तो नहीं हो गई? मेरा पाया सूप, इसके चिकन लॉलीपॉप, इसका बॉयल्ड चिकन सारा फेंक दिया। मेहर को डांट पड़ते देख सरबजीत मेहर के सपोर्ट में आ गया और उसने फरमान सुना दिया कि जब तक परम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तब तक घर में कोई नॉनवेज नहीं खाएगा। इधर सरबजीत के घर में कहा सुनी चल रही थी कि तभी कुलवंत भी अपने बेटे और बहू के साथ वहाँ आ पहुँची और परम के लिए मेहर का प्यार देख वो भी मेहर का सपोर्ट करने लगी। सरबजीत ने इसलिए बुलाया क्योंकि परम को चिकन पॉक्स से खिलाया, उसकी देखभाल के लिए बुलाया वो। और इसको ये बात वो ये भी कहता है कि मेहर के बच्चे के लिए ठीक नहीं है। वहाँ पे थोड़ी कुलवंत को और घबरा जाती है कि कहीं मेहर ने सरब को बता तो नहीं दिया कि उसका बच्चा है। तो ये भी देखने आई है कि दोनों में आपस में दोनों ठीक ठाक है कि नहीं, और यहाँ आके देखती है तो देखती है कि दोनों खुश हैं। कुलवंत, ऐसा आपको लग रहा है लेकिन असल में सरबजीत मेहर को वापस उसके मायके भेजना चाहता है, इसीलिए उसने आपको बहाने से यहाँ बुलाया है। कुलवंत कौर तो आग लगा देगी फिर। नहीं, मुझे नहीं लगता इतना होगा, बिकॉज दोनों जो सरबजीत है वो दिखाया है कि बहुत संभले हुए सुलझे हुए इंसान है, तो मुझे नहीं लगता इतना कुछ, बट धमाका तो होगा। धमाका तो बिल्कुल होने वाला है, इसीलिए आप तैयार हो जाइए क्योंकि जैसे ही परम ठीक होगा मेहर की इस ससुराल से विदाई पक्की है। विशाल शर्मा, मुंबई आज तक।